उनके परिवार सहयोगी साथियों ने मिलकर के रामचरण जी ने अपने पिताजी की और अपने भाई की प्रतिमा का अनावरण कराया, जहां उन्होंने अपने पिता और भाई को सम्मान दिया, वहीं हम लोगों को आने का यहां पर मौका मिला और क्षेत्र की जनता से बातचीत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। लगातार समाजवादी पार्टी उन सवालों को उठा रही है जो बुनियादी सवाल हैं। आज भी बिजली का संकट उतना ही है जितना पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था, और जो व्यवस्था बिजली में समाजवादी सरकार ने बनाई थी उस व्यवस्था को ख़राब करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, सांडों से गाड़ियां टकरा रही हैं, लोगों की जान जा रही है, एम्बुलेंस फ़ोन करिए तो आ नहीं रही, और लखनऊ एक उदाहरण बना है जहाँ एक गर्भवती महिला अस्पताल में भर्ती हो जाती तो उसका बच्चा बच जाता। लेकिन सोचिए, एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली, समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई, गवर्नर हाउस, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास या जितने भी वरिष्ठ नेता या मुख्य लोग रहते हैं वो उस आसपास रहते हैं, वहीं गर्भवती महिला को बच्ची पैदा हुई, बच्चे की जान चली गई और कोई उसको बचा नहीं पाया, ना कोई सुविधा इलाज की दे पाया। डिप्टी सीएम जाते हैं और आखिरी समय पर बच्चे को जो कुछ क्रिया करनी पड़ती वो करने का उसमें भी पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई वही वैसी की वैसी, और महंगाई तो लगता ये है कि अपने जमाखोरों को ये लाभ पहुंचा रहे हैं। जो जमाखोर लोग हैं, जो चीज़ें जमा कर रहे हैं उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके महंगाई लाने का काम कर रही है। भैया अभी चंद्रशेखर और उन बातों में इसलिए मत उलझिए, वो जब भी बेरोजगारी पर जवाब नहीं दे पाएंगे, टमाटर महंगे उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे, उसी समय हिंदू उत्पन्न करेंगे। कल आपने एक ट्वीट किया था जिसमें एक टमाटर का वीडियो डाला है, जिसमें कमाल का है वो वीडियो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोग कितने इनोवेटिव हैं। मतलब ये नहीं कि टैलेंट हम ही लोगों में और आप में टैलेंट है, अरे टैलेंट कहाँ गांव में छिपा हुआ है। मैं उस नौजवान को बधाई देता हूँ कि आज के समय के हिसाब से और समय में जो मुद्दा है उस मुद्दे पे कितना सटीक उसने वीडियो बनाया, रील्स बना रहा है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप इतने महंगा टमाटर है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप टमाटर नहीं खरीद सकते। अध्यक्ष जी, लगातार बीजेपी हमारी आज़ादी छीन रही है, सोशल मीडिया पे एक शब्द भी डाल दो, चाहे इटावा के जो मनीष मामला रहा हो, कुछ शब्द लिखना ही मतलब अपराध हो गया है। ये जो कर रहे हैं, ये चाहते हैं सब कुछ इनके ऊपर हो अगली बार, ये जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये चाहते हैं उन पे भी अगली बार ऐसा ही हो। बदले की राजनीति नहीं है, बीजेपी ये चाहती है जो हम कर रहे हैं इससे अच्छी तरह आप करना। हम चुनाव आयोग को पूरी तरह से ये बदले की भावना है क्या? पौधे जिंदा थे उसमें, जब पौधे आए जिंदा आए, बीजेपी ने लगा दिए सब पौधे मर गए। तो बताओ, जो लोग पौधों को मार दें इससे ज्यादा पापी कौन हो सकता है? पुरानी पेंशन तो लेके हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इस बार 2024 में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। वो ये जानते हैं कि गोरखपुर की हर गली हर नाली पानी भरा हुआ है। गोरखपुर में जो सपना दिखाया था गोरखपुर वालों को, वो पूरा नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं, वाइस चांसलर उसकी पिटाई करें, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो पिटाई करें उनका टीचर सम्मान करें, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री की मर्जी के वो वाइस चांसलर नहीं थे, इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से वाइस चांसलर को पिटवाया। ये सोचिए, सरकार अगर वाइस चांसलर को पिटवाए तो कहाँ की सरकार है? तो ये डर है उनको, उन्हें पता है कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग उनसे नाराज़ हैं। बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा, और मैं फिर कहता हूँ 80 सीटों का सफाया हो सकता है। विभाजन दिवस का स्मृति दिवस मना रहे हैं, 1947 से पहले ब्रिटिश काल में जा रहे हैं क्या? ये दरार जीवी लोग हैं, इन्हें दरार पैदा करने में आनंद आता है। आप जैसे सही खड़े हो सलामत हो, दरार पैदा करने तुम्हारे बीच में, तो उन्हें दरार में बड़ा आनंद आता है। आपने सदन में नहीं देखा था, हमारे मुख्यमंत्री जी दरार पैदा कर रहे थे। ये दरार जीवी लोग हैं, इन्हें कहीं भी मौका मिल जाएगा ये दरार पैदा कर देंगे। इसलिए दरार जीवी लोगों से बचाइए देश को। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिंह ने कहा है कि भगवान राम जो है बीजेपी की बकौती नहीं है,
ये बात तो ठीक कही उन्होंने, भगवान तो कण कण में है। ये अच्छा, किसी की मोबाइल पे आप फ़ोन कर लो, राधे राधे का सुनाई दे जाएगा। आप किसी का मोबाइल मिला लो तो ना, राम और कृष्ण सब एक है हमारे लिए, भगवान विष्णु एक है हमारे लिए, तो सब भगवान एक है। भ्रष्टाचार तो है ही बीजेपी की सरकार। अच्छा, प्रमोद कृष्ण ने कहा कि जो 41 FIR हुई है वो एक शहीद की बेटी थी, पैसा कम से कम बेटियों को तो बता दे बीजेपी के लिए बोला। नहीं, बीजेपी कोई भी सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती। यूपी में भ्रष्टाचार तो ऐसा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यूपी में हो सकता है मध्य प्रदेश से ज्यादा भ्रष्टाचार हो, और मध्य प्रदेश की आगे लोग यूपी में भ्रष्टाचार कर रहे हो। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस से पता करिए, क्या मध्य प्रदेश के लोग ही आकर के यूपी में भ्रष्टाचार किए कि नहीं किए? अभी भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बन रहा है जब टोल कलेक्ट होना शुरू हो गया। अजय जी, इंडिया वर्सेस एनडी, जब पार्टियों का दो दल की बात करते हैं तो वोट प्रतिशत में इंडिया इस समय 25 करोड़ वोटर हैं इनके पास, और वही एनडीए के पास 24 करोड़। क्या इनको बौखलाहट है कि आने वाला भविष्य है इसमें एनडीए चौपट हो रहा है, जिसके कारण जो समाजवादी पार्टी को विधानसभा में 10% की उछाल वोट मिली थी, ये इस वजह से बौखलाहट है? परसेंट जो वोट से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस देश के किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक और पिछड़े, दलित और अगड़े, जितने भी लोग हैं, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। क्योंकि जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था, अच्छे दिन का, 15 लाख का, विदेश से पैसा लाने का, अब जैसे भारत छोड़ो आंदोलन था, बीजेपी आ गई भारत छोड़ो आंदोलन, ये अपनी वो कमी पूरी कर रहे हैं जिस समय इन्होंने विरोध किया था। याद कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन बीजेपी के हर नेता ने विरोध किया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो उससे अपमानित ना हो जाएं। और भारत छोड़ो आंदोलन तो इन्होंने पहले ही चलाया था उद्योगपतियों के लिए, जो भारत छोड़ के चले गए। कौन नहीं छोड़ के चला गया? इनके सभी खासम खास उद्योगपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भारत छोड़ो योजना चलाई थी, जिसके तहत उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए। और भ्रष्टाचार का एक भी पेड़ लगा हो तो बता दो, जिंदा पेड़ मार दिए बीजेपी ने, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता? कभी भी सरकार बनेगी, ये लगा लें जितनी प्रतिमा लगाना चाहें, डीएम आवास खाली करवा करके पीडीए के जितने महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा लगा देंगे। इसीलिए कि बीजेपी अपना कंट्रोल चाहती, आरएसएस अपना कंट्रोल चाहती, इलेक्शन कमीशन अब सरकार मनमानी करके अपॉइंट कर लेगी। वो जानते थे कि अगर कोई जुडिशरी का होगा, कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई होगा, तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन उठाए उस पर। अरे तो अच्छी बात है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि स्पेशल 26 की पहली दागदारी। देखिए, ये तो कार्यकर्ता होते हैं मंच से, कभी कभी हम लोगों के भी नारे लगा देते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो, तो ये तो वर्कर करता है। और अगर वर्कर किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो सपना देख रहा है तो वो सपना खराब नहीं है, उससे तो लोकसभा के सांसद ही तो ज़्यादा जीतेंगे और बीजेपी हारेगी, तो इसीलिए हमें आपको खुश रहना चाहिए। प्रियंका गांधी पर 41 FIR हुई है, मोदी जी ने अभी संसद में कहा कि एनडीए में 2 बार आई लगा दिया, मैं को घुसेड़ दिया और अपना एक इंडिया बना लिया, इसको लेकर उनकी इस टिप्पणी को लेकर क्या कहते हैं? इंडिया, चाहे उसमें डॉट लगा दो इंडिया, हमारा इंडिया बिना डॉट का इंडिया है, और संघ में पीडीए है, तो अगर उन्हें कुछ पूछना हो पीडीए पे पूछ लें। इंडिया को लगातार घमंडिया बोल रहे हैं। नहीं, वो इसलिए कि वो अपना बता रहे हैं कि वो कैसे हैं। वो जो बता रहे हैं वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। मैनपुरी शहर में लगातार तमाम महान युवतियों की मूर्तियाँ लगाई जा रही है, उसमें कल परसों जगजीत सिंह आए थे, उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी की यहाँ की जो डेलीगेशन है वो उनसे मिला और नेताजी की मूर्ति लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर मुझसे निवेदन करते हैं तो मैं विचार करूँगा कि नेताजी की मूर्ति कहीं लगवाई जाए। नेताजी इतने बड़े नेता रहे हैं, और नेताजी के इसलिए नहीं कि हमें बीजेपी से लगवानी है प्रतिमा, हम खुद सक्षम है समाजवादी लोग, और नेताजी को मानने वाले, नेताजी के रास्ते पे चलने वाले इतने खुद ताकतवर हैं, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ मेमोरियल बना देंगे। इसलिए ये इस बहस में एक बहुत छोटे नेता के बारे में इस तरह मत कहा करो, छोटे नेता से पूछते हो। हमने तो पिछली बार भी कहा था कि टूरिज्म के सेंटर बना दो मैनपुरी को, भाई टूरिज़्म का कोई बजट आ जाए, आप चौराहे तो पहले से बने हुए हैं,
चौराहे पे क्या है, कब्जा कर ले रहे हो आप। ये कब्जा इसलिए कर रहे हो जिससे कि और महापुरुष हैं जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कोई प्रतिमा न लग जाए, ज्योतिबा फूले की कोई प्रतिमा न लग जाए, नेताजी की कोई प्रतिमा न लग जाए, राम मनोहर लोहिया जी की कोई प्रतिमा न लग जाए, जेपी आंदोलन से जुड़े जेपी की कोई प्रतिमा न लग जाए, गाड़गे साहब की प्रतिमा न लग जाए, अवंती बाई की प्रतिमा न लग जाए, कोई महाराज बिजली पासी की प्रतिमा न लग जाए, ये जगह घेरी ने है। और मुझे दुख इस बात का है कि मीडिया भी उसमें शामिल हो जाता है, या वो लोग जिनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, और वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो बीजेपी के पैसे पर इन्फ्लुएंसर हैं। पहले उन्होंने टीवी पे चलवाया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज वो बीजेपी में जा रहे हैं, पूजा पाल विधायक वो बीजेपी में जा रही हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति है जिससे कि आप और हम टमाटर की बात ना करें। वो जानते हैं कि टमाटर की बात हम लोग छेड़ेंगे, क्योंकि एक दुकानदार को जेल भेज दिया, उसके बाप को बेटे को दोनों को जेल भेजा, आज टमाटर की कीमत नहीं कम कर पा रहे हैं। तो जब टमाटर की कीमत नहीं कम कर पाए तो नया जुमला क्या उछालें। तो ये जो जुमला उछाला जा रहा है बाज़ार में या मार्केट में मीडिया के थ्रू, वो इसीलिए है कि हम आपसे टमाटर की बात ना करें। तो जी कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी की वोट है और जो समर्थन है वे राक्षस प्रवृत्ति का। राक्षस थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है, बीजेपी का कोई नेता सुर में नहीं है। अध्यक्ष जी, विपक्ष वॉकआउट के बाद संसद में दो बिल पास किए, जहां देखा गया एक तो पुराने जो ब्रिटिश काल का ये कह रहे थे कि भारतीयों पर जो दंड की प्रक्रिया थी उसको समाप्त करके न्याय की बात कर रहे हैं, दूसरा ये था कि जुडिशियल को ही हटा दिया गया है। इस पर आप देखिए, इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना, ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज़ अपने कंट्रोल में लेना, सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है, सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है, बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से, चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए, ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था जिंदा हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो क्या है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष जो गठबंधन ऐसा होगा, रशिया जैसे वोट नहीं पड़ रहा, चाइना में कोई बदलाव नहीं आ रहा, म्यांमार बदलाव है, यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, आपका वोट का अधिकार छिन जाएगा। अच्छा जी, आखिरी सवाल, 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव इनके लिए 9 साल हो गए, और तो यही कह रहे हैं कि अब आज़ादी जाके हमें मिली। मैं तो यही कहूँगा कि 15 अगस्त को जो संकल्प लिया जाए, 15 अगस्त के जो प्रण हों वो पूरे हों, और 15 अगस्त को हम लोगों का यही संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लाल किले से सपना दिखाया वो पूरा करें, किसानों की आय दोगुनी। बिहार में एम्स को लेकर प्रधानमंत्री जी का बयान आया था, उसको लेकर बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई। अरे एम्स यहाँ भी बर्बाद हो गए, यूपी के दोनों लाल किला से ही